गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी अपने क्लास में सेकंड यूनिट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड यूनिट में टोटल आपके तीन चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका नेटिक्वेट से है, दूसरा चैप्टर आपका ऑडियो बुक लिसनिंग है और थर्ड चैप्टर आपका नोट टेकिंग है। इस तीन यूनिट के बेसिस पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं। ये एक तरह का बेस है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि मिड टर्म टेस्ट में आपकी टोटल टू यूनिट्स में जो है एग्जामिनेशन में या टेस्ट में दूंगी, इसके लिए ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। और टोटल ओवरऑल भी जब आपका नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगा तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस यूनिट पे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट डज नेटिक्वेट्स रिफर्स। जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया कि नेटिक्वेट्स मीन्स एक तरह से ऑनलाइन जब आप कम्युनिकेशन करते हो, ऑनलाइन संवाद करते हो, तो उस समय आपको कुछ एटिकेट्स का को फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू ये लगे कि आप जो बातचीत कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता है या हम कहेंगे कि आप में पोलाइटनेस है, आप एक संस्कार को फॉलो कर गेट्स कहते हैं। अगर इस ऑप्शन में बात करा जाए, देखिए मैंने इसका आंसर भी नीचे लिख दिया है। नेटवर्क बिहेवियर, इंटरनेट इक्विकेट्स, सोशल मीडिया यूजेस एंड प्रोग्रामिंग रूल्स। तो नेगेटिव मतलब होता है इंटरनेट एटिक्वेट्स, जिसका मतलब होता है कि जब इंटरनेट पे हम कोई बातचीत करते हैं तो अपने आचरण को नियमित रखें। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड नेटिक्वेट्स। इसमें से अच्छे नेटिक्वेट का क्या लक्षण नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला है यूजिंग ऑल कैप्स इन मैसेजेस, बीइंग रिस्पेक्टफुली इन कमेंट्स, अवॉइडिंग स्पैमिंग, और लास्ट इज रिस्पेक्टिंग अदर प्राइवेसी। देखिए नेटिक्वेट्स का सबसे फर्स्ट रूल होता है कि हमें अपने कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल रहना है, तो सेकंड सही है। दूसरा अवॉइडिंग, हमें कोई भी फेक इंफॉर्मेशन या फेक मैसेजिंग नहीं करना है, स्पम को अवॉइड करना है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। एंड रिस्पेक्टिंग अदर प्राइवेसी, हमें दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है। तो ये तीनों नेटिक्वेट्स में शामिल होता है, जबकि यूजिंग ऑल कैप्स इन मैसेजेस ये नेटिक्वेट्स में शामिल नहीं होता। यूजिंग ऑल कैप्स इन मैसेजेस कहने का मतलब है कि जब आप सूचनाएं लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो आप सारे के सारे अक्षर को कैपिटल में लेटर में लिखे, ऐसा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, वो आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो नेटिक्वेट्स इन ईमेल। ईमेल में नेटिक्वेट्स को फॉलो करना क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, टू मेक ईमेल्स कलरफुल, टू कंफ्यूज रेसिपिएंट, टू इंक्रीज ईमेल लेंथ। बेसिकली जो नेटिक्वेट्स का पालन करना महत्वपूर्ण होता है इसलिए ताकि कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियां हमारे बीच ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन संचार में निम्नलिखित में से कौन सा अशिष्ट माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर रूड इन द ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो जब हम हार्श क्रिटिसिज्म यानी कि किसी का बहुत कड़े रूप से आलोचना करते हैं तो इसको ऑनलाइन कम्युनिकेशन में रूड माना जाता है, जिसको हम हिंदी में अशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन की प्रिंसिपल ऑफ नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स का पहला या सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो नेटिक्वेट्स का पहला सिद्धांत ये है कि जब भी आप पोस्ट करें कोई चीज तो उसको पोस्ट करने से पहले उसके बारे में जरूर सोच समझ लें। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन ऑडियो बुक। तो सेकंड जो चैप्टर है ऑडियो बुक लिसनिंग, उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार किया है कि ऑडियो बुक क्या है। बेसिकली ऑडियो बुक इज अ बुक रिकॉर्डेड इन ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि जो ऑडियो बुक होते हैं जो कि हमें लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, मतलब ऑनलाइन माध्यम से आप बुक की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। जब आपके पास समय नहीं होता है या आप तरह तरह के कार्य को करते हैं और साथ ही साथ बुक भी पढ़ना चाहते हैं, बुक को भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसे जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में रखा जाता है, जिसको आप ईयरफोन लगा के या डायरेक्टली भी सुन सकते हैं। तो ऑडियो बुक लिसनिंग जो होता है बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट होता है बुक का जो कि रिकॉर्डेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो बुक। ऑडियो बुक सुनने का लाभ क्या होता है? तो ऑडियो बुक बेसिकली जो है उस समय सुनी जाती है जब हम तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, तरह तरह के कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग को ये हेल्प करता है। जैसे आप किचन का कोई कार्य कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप बुक को सुन सकते हैं, या जब आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं और
उस समय भी आप ऑडियो बुक को एंजॉय कर सकते हैं। वेयर कैन यू कॉमनली लिसन टू ऑडियो बुक, कहाँ ज्यादातर या आमतौर पे हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं? तो इन लाइब्रेरीज और एप्स, बहुत से एप्स जो हैं बने हुए हैं और लाइब्रेरीज में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ ऑडियो बुक्स फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो बुक का क्या लाभ होता है? ये हमारी लिसनिंग स्किल को पढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, इसमें से मैंने ऑप्शंस दिया हुआ था। बट इसके साथ ही साथ ऑडियो बुक लर्न, ऑडियो बुक को सुनने का एक विशेष लाभ जो मैंने भी सीखा है वो ये होता है कि किस तरह आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम ऑडियो बुक लिसनिंग में सीख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब कोई स्टोरी नरेट की जाती है, बोली जाती है, तो उसको इंटरेस्टिंग फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है, ये भी ऑडियो बुक लिसनिंग का एक बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑडियो बुक लिसनिंग, क्या चीज सही नहीं है? तो इट रिक्वायर्स कंप्लीट साइलेंस, जरूरी नहीं है कि टोटल रूप से साइलेंस रहे, मेन है कि कंसंट्रेशन लेवल आपका होना चाहिए। नहीं तो कहा भी जाता है कि आपका कंसंट्रेशन तो ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने से बारात भी गुजर जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा साइलेंस हो तभी आप वो बुक्स को सुन सके। ये डिपेंड करता है आपकी कहीं ना कहीं अटेंशन की कैपेबिलिटी कैपेसिटी पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द नोट टेकिंग, नोट टेकिंग ये लास्ट चैप्टर आ गया आपका, कि नोट्स लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू रिकॉर्ड की पॉइंट्स फॉर लेटर रिव्यू, जब आप उसको पुनः पढ़ना चाहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस ऑनलाइन लिसनिंग का या ऑनलाइन क्लास का भी अगर हम देखें तो फायदा क्या है कि इसको हम जब भी चाहे तब सुन सकते हैं, अगर क्लास मिस भी हो गया तो भी हम, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म जो है आपके अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हो। उसी तरह नोट्स लेने का जो है क्या बेनिफिट होता है कि नोट्स लेते समय आप जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करते हैं, और बाद में जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो उस इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को रिवाइज करते हो तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर सामने आ जाता है। तो ये रिवाइज करने के लिए, चीजों को याद रख लेने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। विच नोट टेकिंग मेथड इज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग नोट इन ए स्ट्रक्चरल वे, अगर आप इसके जो नोट्स लेने का मैंने मेथड जो है डाल दिया है अपने लेक्चर का, और क्लासरूम में भी मैंने बताया है इस चीज के बारे में कि नोट्स जो है के जो लेने के जो है तरह तरह के मेथड होते हैं, जिसमें कॉर्नल मेथड भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत से मेथड, इसमें कॉर्नल मेथड इज अ वन ऑफ द मेथड, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल यहाँ नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोट टेकिंग इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लेक्चर्स, लेक्चर के दौरान नोट्स लेना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इट हेल्प विद एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि ये एक्टिव लिसनिंग को बढ़ाता है। अब ये एक्टिव और पैसिव लिसनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लासरूम में बैठे हो, आप वो चीजों को बस सुनते चले जा रहे हो, तो सुनते समय केवल आपका आंख मतलब कान जो है कार्य करता है, लेकिन जब आप उसको नोट करते हो तो कहीं ना कहीं आप चीजों को समझते हो, और जब बाद में जब उसका आप डिटेल चीजें पढ़ेंगे और आप अपने नोट से मिलाएंगे तो उसका बहुत फायदा होता है चीजों को याद रखने में, चीजों को समझने में, और देर तक उसकी मेमोरी बने रहने के लिए। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन नोट टेकिंग टेक्निक, कौन सा कॉमन नहीं है? इसमें स्किमिंग है जो कि कॉमन नहीं है। जब आप उस नोट टेकिंग मेथड में जाके देखेंगे तो इन चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। व्हाट डज द कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम इंक्लूड, कॉर्नेल जो एक बेसिकली एक मेथड है नोट टेकिंग का, जो कि नोट टेकिंग वाले लेक्चर में अगर आप जाएंगे बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले आप वो तीन चीजों में उस नोट्स को आप डिवाइड करके नोट बनाते हैं। पहला उसके की पॉइंट्स क्या है, किसी भी लेक्चर्स के की पॉइंट्स क्या है उसको एक जगह लिखते हैं, दूसरी जगह उसकी समरी रखते हैं, और तीसरी जगह आप उसके क्वेश्चन जो होते हैं क्या क्या आस्क के क्या क्या पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो कॉर्नेल मेथड इज अ वेरी गुड मेथड फॉर नोट टेकिंग, उसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। व्हाट शुड यू डू आफ्टर टेकिंग नोट इन द लेक्चर, ये ऑब्वियसली बात है कि जब आप लेक्चर जब व्याख्यान में होते हैं नोट्स ले लेते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? रिवाइज एंड रिव्यू देम, हमें बाद में उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए, अदरवाइज उस नोट का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी मेमोरी का फिनोमिना वर्क करता है वैसे ही आपकी फॉरगेटिंग का फिनोमिना भी वर्क करता है। कहने का तात्पर्य ये है की चीजों को याद करने के साथ साथ उसमें फॉरगेटिंग यानी भूलने की प्रक्रिया भी साथ ही साथ होती है, तो भूलने की प्रक्रिया को दूर करने के लिए हम जो भी नोट्स लेते हैं उसको घर जाके जरूर रिवाइज करना चाहिए, यानी उसको फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से रिव्यू करना चाहिए।
हाउ कैन यू मेक योर नोट्स मोर इफेक्टिव, आपके नोट्स को सबसे अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग एब्रिवेशंस एंड सिंबल्स, और एब्रिवेशंस को यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को प्रभावी बनाने के लिए. विच इज द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन द नोट टेकिंग, क्या चीजों को हमें बचना चाहिए. राइट डाउन एवरीथिंग, हर एक चीज जो का नहीं करना चाहिए. ये नहीं कि लेक्चर दिया जा रहा जो का तो आप लिखते चले जा रहे हो लिखते चले, नहीं. नोट लेने का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ले, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू लिसन टू एन ऑडियो बुक फॉर नोट टेकिंग. नोट्स लेने के लिए ऑडियो बुक सुनने का प्रभावी तरीका क्या है. पॉजिंग एंड राइटिंग की पॉइंट्स, ऑब्वियसली बात है. जैसे मैं भी लेक्चर दे रही हूँ, इसको अगर आप ऑडियो रूप में सुनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मेरे लेक्चर को पॉज करके उन इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करोगे. मैं जब भी अपना क्लासरूम में लेक्चर लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन जाके इन चीजों को देखें. उसका मतलब ये है कि आप उस नोट्स को जो मैं आपको, जैसे ये रिटन फॉर्म में है, इसको आप अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट की नोट्स पॉइंट लिखते चले ताकि आपको चीजें याद रह सके एग्जामिनेशन के लिए. तो ये मैंने तैयारी आपके सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव की या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कर दी है. अब आपका ये फर्ज है इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा. थैंक यू सो मच.